हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया फैंसी। आज आपके लिए चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम लेके आऊँ आपके लिए, फैंसी प्रेडिक्शन लेके आऊँ, कुछ चेंजेस होने वाला है वो लेके आऊँ, कोई इंजरी न्यूज लेके आऊँ जो चेन्नई की टीम में हुई है, इसके अलावा पंजाब की टीम में जो चेंज होने वाला है वो आपको बताने आऊँ। इससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि आपके लिए एक 5,000 रुपये वाला फ्री गिवे कॉन्टेस्ट भी लेके आऊँ। 5,000 रुपये वाला आपके लिए कॉन्टेस्ट है। पहले मैं आपको 100 रुपये के पेटे कॉन्टेस्ट देता था, अब आपके लिए 5,000 रुपये वाला फ्री में आपको ज्वाइन करने का मौका है कॉन्टेस्ट में, जो इस मैच के ऊपर ही है। मैच स्टार्ट होने में अभी अगर देखा 4 बजे कल मैच होगा, तो उससे पहले पहले यहाँ पे अभी काफ़ी सारे जो अभी खाली पड़ी है लीग्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 5,000 रुपये वाली लीग के लिए। फ्री में ज्वाइन करना है आपको। सबसे पहले आपको लीग से बताने से पहले आपको बता दूँ, दोनों टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट को देखा है तो चेन्नई की टीम ने अभी तक टूर्नामेंट टॉप पर चल रही थी। लास्ट वाला मैच जो कि मुंबई से हारने के बाद टूर्नामेंट में 3 विन किए, एक मैच उन्होंने हार गए जो कि मुंबई से हारे थे। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में उन्होंने भी 3 मैच जो कि जीत चुके हैं और एक मैच अभी तक उन्होंने हारा है। पंजाब की टीम ने जो थोड़ा नेट रन रेट से देखा है तो पंजाब की टीम 4th नंबर पर है और चेन्नई की टीम 3rd नंबर पर है। हालाँकि कुछ इंजरीज हुई थी, लास्ट वाले मैच में गेल नहीं खेले थे, जो गेल इंजर हुए थे, इस मैच में उनके आने की फुल संभावना है 90% 95% कि वो फिट हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पूरा एनालाइज यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ पे जाओगे चेक करोगे तो पूरा एनालाइज मिल जाएगा। लास्ट वाले मैच में क्या हुआ था, चेन्नई की टीम कहाँ पे जो अगर देखा था पीछे रह गई थी और मैच हार गई थी मुंबई से। दोनों टीमों के अभी तक के रिकॉर्ड को बताऊँ तो हेड टू हेड में 19 मुकाबले हुए हैं, 11 मुकाबले चेन्नई ने जीते, 8 मैच जो कि पंजाब ने। तो चेन्नई का यहाँ पे पलड़ा भारी है हेड टू हेड में देखा है। तो अगर इस पिच की बात करें तो चिदंबरम की पिच में थोड़ी स्लो पिच है, यहाँ पे बॉलिंग को ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा हाई स्कोर मैच देखने को मिलते नहीं है। फर्स्ट बैटिंग वाली यहाँ पे 30 टाइम जीती है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो बॉलिंग की टीम है जो वो 19 बार जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 है, सेकंड इनिंग का 151 है, तो यहाँ पे ज़्यादा हाई स्कोर मैच देखने को मिलने वाला है नहीं, बॉलिंग को ज़्यादा फायदा मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लास्ट 5 इनकाउंटर की बात करते हैं, उसमें भी चेन्नई ने टीम 3 जीते हैं और पंजाब ने 2, तो चेन्नई का यहाँ पे पलड़ा भारी है। अगर दोनों टीमों के टीम न्यूज़ की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स क्रिस गेल जो लास्ट मैच में इंजरी के वजह वापसी थे इंजरी के वजह मिस हुए थे, वो इस मैच में वापसी करने वाले हैं। तो क्रिस गेल जो वापसी करेंगे, लास्ट वाले मैच में मुजीब ने अच्छा परफॉर्म किया तो क्रिस गेल वापसी कर सकते हैं वो फ्रेंड्स, जो विलियन की जगह वापसी कर सकते हैं, हार्दिक विलियन की जगह जो ओवरसी प्लेयर है। वहीं अगर बात करते हैं सैम करन ने लास्ट प्ले में जो अच्छा परफॉर्म किया तो सैम करन खेलेंगे, हार्दिक विलियन इनकी जगह जो वापसी करेंगे क्रिस गेल, क्योंकि मुजीब इधर खेलने वाले हैं। वहीं सीएसके की टीम में मुझे लगता है हरभजन सिंह को एज एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया जाएगा। मोहित शर्मा ने लास्ट मैच में बहुत ख़राब परफॉर्म किया, बहुत महंगे साबित हुए थे तो उनको नहीं खिलाया जाएगा, यहाँ पे हरभजन सिंह मोहित शर्मा की वापसी करेंगे। वहीं अगर बात करूँ एक चेंज हुआ फ्रेंड्स, ड्वेन ब्रावो जो इंजर्ड हो गए हैं तो उनके वो नहीं खेलने वाले यहाँ पे, ड्वेन ब्रावो इस मैच से आउट हो चुके हैं, ब्रावो नहीं खेलने वाले। ब्रावो की जगह हो सकता है स्कॉट खोजलिन को लाया जाए, क्योंकि वो अच्छे फास्ट बॉलर है, वो अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में वो प्रैक्टिस करते दिखाई भी दिए, तो न्यूजीलैंड के स्कॉट खोजलिन को यहाँ पे ड्वेन ब्रावो की जगह खिलाया जाएगा, तो ड्वेन ब्रावो ये मैच नहीं खेलने वाले। ये जो टीम न्यूज है फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा प्लेइंग इलेवन की बात करता हूँ तो प्लेइंग इलेवन देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेश राहुल ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल के साथ, फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल, सरफराज खान ने पिछले कुछ मैच से देखा है तो लास्ट वाले मैच में उन्होंने 38 रन बनाए थे, स्कूप शॉट खेलते खेलते अच्छी पारियां खेलने लगे। डेविड मिलर ने परफॉर्म किया, मंदीप सिंह ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, रविचंद्र अश्विन बॉलिंग अच्छी करी, सैम करन लास्ट वाले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, जिन्होंने अगर देखा तो फ्रेंड्स एक हैट्रिक लगाई थी सैम करन ने, तो सैम करन यहाँ पे बहुत मेन बॉलर हो सकते हैं, ओपनिंग करने भी आए थे वो, क्योंकि क्रिस गेल नहीं थे तो क्रिस गेल इस बार ओपनिंग करेंगे, सैम करन वही मिडल ऑर्डर बैटिंग करने वाले हैं और सैम करन ने बॉलिंग में 4 विकेट लिए थे। मोहम्मद शामी होंगे, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती और मुर्गन अश्विन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। पंजाब की टीम में ये चेंज की उम्मीद है, मुर्गन अश्विन और वरुण चक्रवर्ती में से एक आएगा, वह क्रिस गेल जो वापसी करेंगे, हार्दिक विलियन की जगह वापसी करेंगे। और सीएसके की टीम की प्लेइंग 11 शेन वॉटसन, अंबती रायडू, सुरेश रैना, केदार यादव, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, जहाँ पे फ्रेंड्स स्कॉट खोजलिन के आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर मोहित शर्मा खेलते हैं तो स्पिनर बॉलिंग में लाया जाएगा मिचेल सेंटनर को, अगर मोहित शर्मा नहीं खेलते हरभजन सिंह खेलेंगे तो फास्ट बॉलिंग में स्कॉट खोजलिन को लेकर आया जाएगा। तो ये दोनों टीमों में चेंजेस के एक्सपेक्टेड चेंजेस जो यही है, पॉसिबल चेंज हो सकते हैं यही चेंजेस है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जैसे बोला मैं फ्री गिवे कॉन्टेस्ट जो लेके हैं वो भी आपको बताता हूँ। आप फ्री एंट्री है 5,000 रुपये वाले के कॉन्टेस्ट के अंदर, फ्री गिवे जो एंट्री कॉन्टेस्ट है, ये जो कॉन्टेस्ट है प्लेयर्स बोर्ड के लिए लिस्ट किया गया, प्लेयर्स बोर्ड में आपको प्राइवेट कॉन्टेस्ट में आपको यहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है फ्री गिवे में, ये कोड यूज़ करना है प्राइवेट पोर्ट्स के अंदर आपको, जो अगर आप किसी को कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं एक तो
प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए कोड जरूरी चाहिए होता है। इस कोड से आप प्राइवेट पॉट में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ₹5 वाला कॉन्टेस्ट है, फ्री एंट्री हो जाएगी आपकी। एक एक ही बार में एक प्रोफाइल से एक कर सकते हो, अगर किसी और प्रोफाइल से किसी और को शेयर करोगे तो दूसरे से दोबारा फिर ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल चॉइस है यहाँ पे ज्वाइन करने की, 3,000 मेंबर तक की वो उसमें मेंबर है ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मैच है चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच के ऊपर, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका जो कोड है वो मेरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो कॉन्टेस्ट है फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है D4JFRF। इस कोड को प्राइवेट पोर्ट्स में ज्वाइन करोगे तो आपको ₹5 वाला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी 120 लोगों ने ज्वाइन करा है, तो आपके पास मौका है, तो ज्वाइन करके आपको यहाँ पे जीतने का मौका है। फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है फ्री में ज्वाइन करने का मौका है प्लेयर्स बोर्ड के अंदर। तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, इस कोड से फ्री एंट्री पाइए प्राइवेट पोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताऊँ, जो स्मॉल लीग की टीम है वो आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर मैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर मैं देता रहूँगा। टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉस अपडेट तो मिलेंगे, स्मॉल लीग की टीम्स मिलती रहेगी, वहाँ पे कोई भी कॉन्टेस्ट लेकर तो कॉन्टेस्ट भी वहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स वहाँ पे सारी अपडेट्स स्मॉल लीग की टीम की आपको अपडेट करके टॉस के बाद वहीं सेंड की जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ा हुआ रहना आपको बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। जो स्मॉल लीग की टीम में फ्रेंड्स मैं विकेट कीपर में लोकेश राहुल लेकर चल रहा हूँ। MS धोनी की बात करते हैं तो बैटिंग करने 5th नंबर पर आते हैं। मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम के शुरू शुरू में बहुत सारे बैट्समैन अभी तक आउट होते हैं, तो थोड़ा संभल कर खेलेंगे, जैसे अंबती रेड्डी, शेन वॉटसन। तो मुझे लगता है पंजाब की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो टॉप के ऑर्डर में चेन्नई की टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लोकेश राहुल लेकर चलूँगा, उन्होंने एक मैच पहले से जितवा चुके हैं 70 रन बना के, तो मुझे लगता है लोकेश राहुल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मयंक अग्रवाल लेकर चलूँगा, डेविड मिलर, 3 बैट्समैन हैं यहाँ पे मैं जो कि पंजाब की टीम के लिए चल रहा हूँ। क्रिस गेल को लेना चाहो तो ले सकते हो, उनके कैरेट थोड़ी ज़्यादा है, मैंने इसलिए ड्रॉप किया था उनको। यहाँ पे वॉटसन, अंबती रेड्डी लेकर चल रहा हूँ और केदार यादव लेकर चल रहा हूँ। 3 बैट्समैन हमारे पास यहाँ पे जो कि चेन्नई की टीम के हो गए हैं। अगर आपके पास ऑप्शन, आपको लोकेश राहुल के MS धोनी भी ले सकते हो, MS धोनी भी थोड़ा संभल कर खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट लोकेश राहुल थोड़ा तेज़ खेलते हैं, 70 रन की पारी खेल चुके हैं, अगर वो खेलते हैं तो लंबा ही खेलते हैं, नट आउट हुए थे लास्ट पारी में भी, तो उनको इसलिए लेकर चल रहा हूँ मैं। अगर ऑलराउंडर की बात करें, सैम करन लेकर चल रहा हूँ, लास्ट पल में मैच में ओपनिंग करने आए थे क्योंकि क्रिस गेल नहीं थे, तो इस बार क्रिस गेल वापसी आ जाएंगे तो सैम करन मिड ऑर्डर बैटिंग करेंगे, बट बॉलिंग में पूरे 4 ओवर डालने वाले, अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, हैट्रिक लगाई लास्ट वाले मैच में। रविंद्र जडेजा लेकर चल रहा हूँ, यहाँ ड्वेन ब्रावो नहीं खेल रहे ऑलराउंडर की कैटेगरी में, तो रविंद्र जडेजा लेना सही रहेगा। अगर ड्वेन ब्रावो की फास्ट बॉलर लेना है तो वो आप स्कॉट खोजलिन को लेकर चल सकते हो। यहाँ पे दीपक चहर लेकर चल रहा हूँ, इमरान ताहिर ने हर मैच में अच्छी बॉलिंग करी है, तो इसलिए उनको लेकर चल रहा हूँ। मोहम्मद शामी लेकर चल रहा हूँ पंजाब की टीम की बॉलिंग की तरफ से। अगर मोहम्मद शामी ड्रॉप करना है तो आपको यहाँ पे मुजीब को भी लेकर चल सकते हो, मुजीब भी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो ये जो टीम बना के चल रहा हूँ स्मॉल लीग की टीम है फ्रेंड्स, यहाँ मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो शेन वॉटसन और अंबती रेड्डी तो है, इसके अलावा लोकेश राहुल कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे सेफ रहेंगे, तो इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ चल सकते हो। तो ये जो टीम है स्मॉल लीग के लिए फ्रेंड्स, इसके अलावा टीमें अपडेट और स्मॉल लीग की जो अपडेट वाली टीम होगी टॉस के बाद की, वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी, यहाँ जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको पेटीएम का कॉन्टेस्ट है उसके बारे में सब सारी न्यूज़ आपको यहाँ देते रहते हैं, जैसे अभी जो कॉन्टेस्ट रखा उस कॉन्टेस्ट की भी पहले से हम न्यूज़ दे चुके हैं। यहाँ पे आपको इस कोर्स से इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है, कल तक के लिए कॉन्टेस्ट है फ्रेंड्स चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच के ऊपर, इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री में ज्वाइन करने का मौका है। इसके अलावा स्मॉल लीग की टीम और अपडेट की सारी टीम के लिए आपको इंडिया फैंटसी के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करने का जो लिंक है और कोड वो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन करना, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको स्मॉल लीग की टीम पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले मैच है उनकी भी आपको अपडेट मिल जाए, हमेशा मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन और फ्री कॉन्टेस्ट आपको ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।